90,000 का इनामी बदमाश राजकुमार सिंह उर्फ रानू राजा गिरफ्तार। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या में मुख्य आरोपी था रानू राजा। इस हत्याकांड में रानू राजा के परिवार के सदस्य, दो शूटर, एक महिला सहित 10 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। इनामी बदमाश ने दो हत्याओं सहित एक और हत्या करने की बात कबूली। हत्या करने के बाद उसने सबूत मिटाने महेश लुहार को चंबल नदी में फेंक दिया था। आरोपी बदमाश 5 साल से था फरार। फरारी के दौरान उसने हत्या के प्रयास सहित 9 संगीन मामलों में भी बनाया गया आरोपी। सिविल लाइन पुलिस ने छतरपुर टीकमगढ़ बॉर्डर से किया गिरफ्तार। एसपी अगम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छोटू खान, छतरपुर। 4 मार्च को छतरपुर के गजराज होटल पैलेस के पास में एक घटना हुई थी, जिसमें ईसा नगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी। और उस हत्या में हमारी टीम ने 10 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा, वो उसमें फरार था। ये जो रानू राजा है, सीगौन का रहने वाला, ये पूर्व में भी हत्याएं कर चुका था। 2019 में भी इसने भोपाल सिंह की हत्या की थी, उसके बाद अर्जुन सिंह की हत्या की, और उसके बाद में 2024 में ये हत्या की थी, और लगातार ये फरार चल रहा था। तो हमने इसकी अभी अरेस्टिंग की है। इसमें आईजी सर के माध्यम से 90,000 रुपये का इनाम भी इस व्यक्ति पर घोषित किया था। डीआईजी सर लगातार इसको चेक कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। तो इस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया तो एक नया और तथ्य सामने आया कि 2020 में रानू राजा और राजकुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर के एक हत्या और की थी। जो भोपाल सिंह वाला मर्डर था, उसमें महेंद्र गुप्ता की तरफ से एक व्यक्ति जो गवाह था, महेश लुहार विश्वकर्मा करके, उसको भी इन्होंने उस समय प्रेम जाल में फंसा करके छतरपुर बुलाया, यहाँ से उसको पिक किया, उठाया, और उसके बाद में उसको ले जा करके उसकी चाकूओं से हत्या की, और हत्या के बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए उसको चंबल नदी में जा करके फेंका। इस घटना में, जो 2020 की घटना में है, इसमें इसके सहयोगी रहे पुन्नू राजा, गोलू राजा बमीठा के रहने वाले, और प्रभा दीक्षित, जो अभी वर्तमान में जेल में है। तो इस प्रकार से इन्होंने उस समय घटना कारित की। वर्तमान में अभी जब हमें इसे अरेस्ट करने के बाद में ये घटना पता चली, तो टोटल 4 हत्याओं का ये आरोपी था, जिसमें ये फरार चल रहा था, जिसमें भोपाल सिंह की हत्या, अर्जुन सिंह की हत्या, महेश विश्वकर्मा की हत्या और महेंद्र गुप्ता की हत्या। इस प्रकार से 4 हत्याओं में ये फरार था, 5 वर्ष से फरार था, 90,000 का इनामी था, और हमारी टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। कई जगहों पर हमारी टीम न सिर्फ अभी से बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से दबिश दे रही थी, और मुझे लग रहा है 50 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई है, अलग अलग समयों पर दी गई है। तो इसमें मैं हमारी टीम का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आईजी सर, डीआईजी सर का मार्गदर्शन रहा, मेरे पूर्ववर्ती जो एसपी साहब सचिन शर्मा सर, अमित सांगी सर, उनका मार्गदर्शन रहा, और अभी जो टीम के नेतृत्व कर रहे थे एडिशनल एसपी साहब विक्रम साहब ने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की, शशांक जैन, अमन मिश्रा इनके अंडर में काम कर रहे थे, थाना प्रभारी सिविल लाइन, और जो हमने अलग अलग टीमें बनाई थी उसमें एक प्रमुख टीम थी धर्मेंद्र अहिरवार की, जिनकी टीम में सतेंद्र त्रिपाठी, प्रहलाद, धर्मेंद्र और नरेश थे। एक टीम थी दीपक यादव की, एक टीम थी अतुल कुमार झा की, एक किशोर पटेल ईसानगर की, वीरेंद्र रैकवार पीपट की, राजकुमार तिवारी किशनगढ़, संजय पांडे पठा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी टीमें अलग अलग कामों के लिए लगाई थी, और इनका सपोर्ट कर रही थी साइबर की टीम, जिसमें सिद्धार्थ जो अभी वर्तमान में राजनगर में पदस्थ हैं, संदीप खरे इनके साथ, कल्पना, किशोर, संदीप, विजय, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की, लगभग 40 से अधिक लोगों की टीम थी जो इतने समय से काम कर रही थी, और उसके बाद में फाइनली हमको इस व्यक्ति को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं राज इंडिया 18, हर खबर सच के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें राज इंडिया 18 के साथ।